आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें हैं। कीर्ति नगर में अलकनंदा नदी में डूबा अनजान शख्स, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के कीर्ति नगर में अलकनंदा नदी में एक अनजान शख्स डूब गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक शख्स नदी में कूदा है, लेकिन शख्स कौन था इसका पता नहीं चल पाया। फिलहाल अलकनंदा में सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल हाईवे पर गहरी खाई में गिरी कार, दो भाइयों की मौत, दो घायल। तो श्रीनगर से खबर आई है, नेशनल हाईवे 58 पर सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल 108 वाहन की मदद से एम्स ऋषिकेश भेजा। वाहन करीब 200 फीट गहरी खाई में गिरने से यह हादसा हुआ। देहरादून के निजी स्कूल में जमकर हुआ हंगामा, हिंदूवादी संगठन ने लगाए गंभीर आरोप। तो देहरादून के बसंत नगर से, बसंत बिहार से खबर आई है, देहरादून के एक निजी स्कूल में आज जमकर बवाल हुआ। अभिभावकों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए। हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद मामले को किसी तरह से शांत करवाया गया। टिहरी जिले में कोविड बूस्टर डोज का अकाल, अस्पतालों से बेरंग लौट रहे लोग। टिहरी जिले में कोविड बूस्टर डोज की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाने पहुंच रहे लोगों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। उधर कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं, तो चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है, जिससे लोगों में कोरोना के फैलने का डर काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में लोग बूस्टर डोज लगाने के लिए अस्पतालों के रुख कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। नाबालिग लड़की से रेप और अपहरण मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, पहले ही जा चुका जेल। चारधाम यात्रा में 29 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 182 चिकित्सक तैनात, इमरजेंसी में एयरलिफ्ट किए। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा में 29 विशेषज्ञ चिकित्सक और 182 चिकित्सकों की तैनाती की है। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को एयरलिफ्ट किए जाने की भी व्यवस्था विभाग ने की है। बद्री केदार मंदिर समिति की जमीनों पर अवैध कब्जा, 188 लोगों को भेजा गया नोटिस। बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति मंदिर समिति की जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिस पर मंदिर समिति ने 188 लोगों को नोटिस भेजकर जमीन से कब्जा खाली करने को कहा है। इसके अलावा मंदिर समिति की दुकानों और अन्य परिसंपत्तियों के किराए और लीज पर लेने वाले लोगों को भी जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर लटके हैं बोल्डर, महज 3 दिन बाद शुरू होनी है यात्रा। बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होने में बस 3 दिन बाकी है, लेकिन हाईवे से यात्रा करने वालों के लिए बद्रीनाथ का सफ़र खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गोचर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक हाईवे पर सड़क निर्माण के चलते हिल कटिंग का कार्य चल रहा है, जिसके चलते आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। श्रीनगर में रोके गए केदारनाथ तीर्थयात्री, मौसम ने डाला खलल, बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें। केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी के कारण तीर्थयात्रियों को श्रीनगर में ही रोका जा रहा है। श्रीनगर के होटलों, धर्मशालाओं में यात्रियों के रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन होगी बारिश और बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम चारधाम यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन बारिश और बर्फबारी होगी, इसे देखते हुए उत्तराखंड में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। खटीमा में 6 शराब तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा बरामद। उत्तराखंड में अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई है। खटीमा पुलिस ने आज 6 शराब माफिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में कच्ची और अंग्रेजी शराब पकड़ी है। केदारनाथ धाम में 2 लोगों की बिगड़ी तबीयत, प्रशासन ने किया एयरलिफ्ट। केदारनाथ धाम में 2 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने से प्रशासन ने उन्हें एयरलिफ्ट किया, क्योंकि केदारनाथ धाम में पल पल मौसम बदल रहा है। तापमान में कमी आने के कारण धाम में काम कर रहे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बहरहाल अभी दोनों की तबीयत ठीक बताई जा रही है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने साधन निशाना डबल इंजन सरकार को बताया फेल। उत्तराखंड में अघोषित तरीके से हो रही बिजली कटौती को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव के समय सस्ती बिजली देने का जो वादा किया था वह उससे मुकर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को डबल इंजन की फेल सरकार बताया है। 23 क्विंटल फूलों से सजेगा बाबा केदारनाथ का धाम, कपाट खुलने पर मौजूद रहेंगे राज्यपाल और सीएम। कपाट खुलने से पहले बाबा केदारनाथ के धाम को फूलों से सजाया गया है। हालांकि मौसम का मिजाज बदलने से तमाम कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही समय मिल रहा है मंदिर को सजाने में मजदूर जुट रहे हैं। वहीं कपाट खोले जाते समय राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी केदारनाथ धाम में मौजूद रहेंगे। जिम कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, फिर शुरू हो सकती है हाथी सफारी। तो अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, यहाँ 5 साल बाद हाथी की सफारी शुरू हो सकती है। हाथी की सफारी से कॉर्बेट पार्क घूमने का मज़ा दोगुना हो जाएगा।
रिखणीखाल में बाघ के आतंक से सहमे लोग, 3 दिन के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। तो पौड़ी के रिखणीखाल व धुआंकोट क्षेत्र में कुछ दिनों से बाघ दिखाई देने से आसपास के क्षेत्र के लोग काफ़ी भयभीत हैं। इन बाघों द्वारा बुजुर्गों को अपना निवाला बनाए जाने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ डीएम ने धुआंकोट और रिखणीखाल में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। हरीश रावत बोले, सुरंगें बनाने की कल्पना दिखाकर हमारे ख्वाबों को देना चाहते हैं नई उड़ान। हरीश रावत ने एक बार फिर गड्ढों को लेकर के सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रदेश में सड़कों की हालत पर अपने विचार व्यक्त कर निशाना साधा। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में लिखा कि मार्गों पर गड्ढे कई वर्षों से मुँह बाएँ दिखाई दे रहे हैं, जिनको सालों बाद भी पाटा नहीं जा सका। इंजीनियरिंग MBBS कर चुकी 15 बहनों ने लिया आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत, समाज के लिए करेंगी कार्य। तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की बहनें समाज को सुधारने का कार्य कर रही हैं, जो सराहनीय कदम है। कुख्यात अपराधियों पर उत्तराखंड पुलिस की 2 तरफा नज़र, 50 हो चुके गिरफ्तार, रडार पर कई हिस्ट्री सीटर। तो उत्तराखंड पुलिस एक्शन मोड में है, पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही उत्तराखंड STF भी लगातार आरोपियों की दूसरे राज्यों से धरपकड़ करने में जुटी हुई है। कई मामलों में देखा गया है कि दूसरे राज्य के अपराधी उत्तराखंड में शरण लेते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की रडार पर कई हिस्ट्री सीटर हैं। चारधाम यात्रा केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक बंद, अगले 7 दिन तक भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब है, खराब मौसम की मार केदारनाथ धाम तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर भी पड़ रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते फिलहाल यहाँ जाने वाले तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। फिलहाल 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रोके गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक केदारनाथ और बद्रीनाथ इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मालू के पत्तों में परोसा जाएगा व्यंजन, प्लास्टिक के प्लेटों एवं ग्लासों का नहीं होगा उपयोग। हल्द्वानी में कराटे चैंपियनशिप का आगाज, विजेता को मिलेगा राज्य स्तर पर खेलने का मौका। पार्किंग विवाद, मारपीट और फायर झोंकने वाले 4 बदमाश असलों के साथ गिरफ्तार, खंगाला जा रहा अपराधिक इतिहास। मुख्य पड़ाव फाटा में यात्रियों की होगी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, संस्था ने लिया जनसंकल्प। गरुड़चट्टी मंदिर के पास शराब का ठेका खोलने से संत नाराज, विरोध में सड़क पर जाम किया। अल्मोड़ा के धोनी मंदिर में 10 दिवसीय कथा का शुभारंभ, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा।